देखिए आपको कल ही पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? रिनी, रिनी में पढ़ाए थे, सीरीज पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? सीरीज पढ़ाए थे। इस चैप्टर का नाम है सीरीज, ध्यान दीजिएगा, सीरीज सीरीज। सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला होता है, क्या होता है? श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब समझिए तब आगे पढ़िएगा। इस श्रृंखला का मतलब क्या होता है? आप मान लो हम एक सीढ़ी पे चलते हैं, एक सीढ़ी पे, तो इसके बाद अगला सीढ़ी आएगा कि नहीं? फिर से अगला सीढ़ी आएगा कि नहीं? आएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगला सीढ़ी आएगा। हमको पहले इस पे जाना पड़ेगा, इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, इस पे। जैसे आप कहने का मतलब हुआ आप बताइए। एक अंक दिया हुआ है, दो दिया है, चार दिया है, छह दिया हुआ, आठ दिया, दस दिया हुआ, खाली जगह आगे क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आप बताइए कितना कितना बढ़ाए हैं? दो बढ़ाए हैं, दो बढ़ाए हैं, दो बढ़ाए हैं, दो बढ़ाए हैं, इससे भी कितना बढ़ेगा? दो। तो मेरा आंसर कितना आ जाता? बारह आ जाता। कितना आ जाता? बारह। तो ये बताइए, आप लोग ध्यान बताइएगा, ये जो अंक है, अंक, इस अंक को डिजिट बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत है क्या? आप किताब बंद कीजिए, तो आपको आगे ध्यान देना है, किताब नहीं खोलना है। ये क्या है? डिजिट। आप बताइए कौन सा? ये तो श्रृंखला ना हुआ, तो इसी को डिजिट सीरीज बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे आप लोग बताइएगा ध्यान से, आप लोग यहाँ ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, आगे क्या होगा? जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, तो आगे का खाली जगह आप, इसके बाद चार का ऑप्शन दिया हुआ है, आगे का ऑप्शन दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, आगे का ऑप्शन इसका दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, फोर्थ में दिया है, एन दिया हुआ, मतलब चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होता है? ये बात तो सुनिए, तो हम तो बताबे करेंगे आपको आई होगा। जैसे मतलब एक के बाद गैप क्या है? बी गैप है, तो एक के बाद गैप ना है, सी के बाद डी होना चाहिए था लेकिन क्या आ गया? ई। ए वो गैप है, इसमें ई के बाद एफ आना चाहिए लेकिन क्या है? जी। इसमें भी एक गैप है, तो आगे कोई भी अंक होगा तो ए वो गैप होने के बाद वाला होगा, तो जी के बाद आई, जी के बाद कई होता है? नाइस। जी के बाद क्या होता है? एक। एक अंक तो गैप है, तो रियल में होगा, आंसर क्या आना चाहिए? आई। जो हम सीरीज में पढ़ाई कर रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। आप बताइए ये क्या है? अल्फाबेट है कि नहीं? चलिए अल्फा बेट। ये अल्फाबेट में क्या पढ़ रहा है? सीरीज। तो इस सीरीज का नाम क्या हो गया? अल्फाबेट। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। आप यहां समझिए, यहां पे हम ऐसे लिख दिए ए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम अभी पढ़ा आप नहीं रहे हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो आपको बता रहा है। इस चैप्टर हमारे एक सवाल दिया, ए बी दिया हुआ है, बी सी, सी डी और खाली जगह दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है। आप बताइए ध्यान से, ई भी एक वर्ड हुआ कि नहीं? जो सिंगल आता है उसको कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट मिलने से वर्ड बनता है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ई बताइए वर्ड है, तो ई हम जो आंसर आया कोई कुछ भी आंसर है कोई बात नहीं, ई वर्ड हुआ कि नहीं? वर्ड हुआ। क्या एक सीरीज में चल रहा है कि नहीं? कैसे? ए बी है, बी सी, बी सी, सी डी और डी और ई होगा, अरे होगा कि नहीं? तो एक ई जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये वर्ड सीरीज हुआ कि नहीं? हुआ। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यही चीज पढ़ना है। हम आपको सबसे पहले जो पढ़ाने वाले हैं अल्फाबेट, इसको मान लीजिए या वर्ड मान लीजिए या लेटर मान लीजिए, कोई भी सीरीज, कोई दिक्कत? आपको जो बता रहे हैं यहाँ बताइएगा, आपका जो अभी स्टार्ट होने वाला है कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? सीरीज में। श्रृंखला में कौन सा श्रृंखला? आपको श्रृंखला में तो एक श्रृंखला का नाम होगा डिजिट। कौन सा होगा? डिजिट। डिजिट में अंक, एक दो तीन चार, जहां अंक वाला हो, इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं? डिजिट सीरीज। आप लेट अल्फाबेट, अल्फाबेट अल्फाबेट को हम लेटर बोल देते हैं, कोई दिक्कत? या वर्ड बोल देते हैं, आपको अल्फाबेट बोल दीजिए, या लेटर सीरीज बोल दीजिए, या वर्ड बोल दीजिए, इन सब का अध्ययन यही यहाँ बताइएगा। कोई दिक्कत? एक होता है पिक्चर सीरीज, एक क्या होता है? पिक्चर, पिक्चर देखकर। जैसे मान लो एक पिक्चर में ये आदमी बना दिया गया है, आदमी बना दिया गया है, इसमें एक हाथ बनाया गया है, फिर से एक आदमी बना दिया है, इसमें दो हाथ बना दिया है, आदमी दिया है,
एक आदमी है, इसका एगो पैर बना दिया है। अब आगे जो आदमी होगा इसका होगा, तो ये बताइए आगे आदमी को दो हाथ दो पैर होगा कि नहीं? तो मेरा आंसर ये आता कि नहीं। अब ये क्या देख के बना रहा है? पिक्चर देख के ये बना रहा है कि नहीं? तो ऐसा सीरीज को क्या बोलेंगे? पिक्चर क्या होता है? इसी नहीं होता है सीरीज होता है। कोई दिक्कत? आपको ना इस पे भी ध्यान देना है ना इस पे ध्यान देना है, आप पे किस पे ध्यान देना है? अल्फाबेट से पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कल आप लोगों को पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे आप लोगों को याद तो होगा ही, कुछ कुछ जवाब दीजिएगा जिससे हम अपना एक लिंक बना पाए। कल जो पढ़ाया था आप लोगों को लेटर, लेटर का पोजीशन, लेटर का पोजीशन मतलब अल्फाबेट का पोजीशन। आप बताइए अंग्रेजी में अल्फाबेट कितना होता है? ए बी सी डी कितना होता है? अरे होता है कि नहीं? होता है। तो कल ही आप लोगों को बताया था, आप लोगों को नहीं बताया थे कि जो ए बी सी डी जो अल्फाबेट हम पढ़ रहे हैं कहाँ तक पढ़ते हैं? जेड तक, जेड तक पढ़ाई करे। अब बाबू बताना, हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको कहते हैं दायां हाथ, इसको कहते हैं बायां हाथ। हम यदि ए बी सी डी पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ से पढ़ बायां से पढ़ाई करे? कोई दिक्कत? आप बताए बायां से पहला पे क्या आ जाता है? बायां से दूसरा पे क्या आ जाता है? बायां से तीसरा पे क्या आ जाता है? ना प्रॉब्लम है क्या? बाएं से 26वां पे क्या आएगा? जेड आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे, ये कौन हाथ हुआ? तो आप बताइए हमको दायां से पढ़ना है, किसे पढ़ना है? दायां से। कहाँ से पढ़ना है? दायां से पढ़ना है। तो दायां से जब भी लेटर चालू होगा दायां से पढ़ना है, पहले जेड होगा, इसके बाद वाई, इसके बाद एच डब्ल्यू वी यू, ऐसे होते होते ए तक आएगा कि नहीं? आएगा। अब बताइए हम बोलेंगे बाबू बताइए दायां से पहला लेटर कौन सा? दायां से एक जेड होगा कि नहीं? दायां से दूसरा का लेटर कौन सा है? दायां से तीसरा लेटर कौन सा है? दायां से चौथा लेटर कौन सा है? दायां से 26वां लेटर कौन है? 26वें कौन है? एनी प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। इतना आपको कल ही याद करवाया थे, इसका एक ट्रिक बताया थे बाबू, बताइएगा ई जो टी वाई, ऐसा ट्रिक याद कराने के लिए बोल दिए थे, बोले थे ना इसको हम आपको बताए थे। ई जो होता है पांच पे होता है, क्या होता है? पांच पे होता है, लाल पेन में पांच होता है, ई दस होता है, पंद्रह होता है, बीस होता है, पच्चीस होता है, इतना दिक्कत नहीं है ना? आप बताइए, हम आपको बोले बाबू बताइए ये जो लिखे हैं ये हम बाएं से, हमेशा ये बताइए बचपन से जो पढ़े हैं एबीसीडी पढ़े हैं, तो ये हम एबीसीडी जो पढ़ रही है, लेकिन अब ना समझ में आया, ओहो जो पढ़े हैं कहाँ से पढ़े? बाएं से पढ़े हैं। कहाँ से? बाएं से। तो आप, हम आपको बोले बाबू बताइए ए बी सी डी, हम बोले 25 पे कौन होगा? तो आप 25 पे वाई बोलना है, तो आपके दिमाग में जो हम कहाँ से बोला? बाएं से। हमेशा बाएं बोला नहीं, जब भी दाएं को दाएं तुम्हें बोलना पड़ेगा हमेशा। हम तुम्हें बोले दाएं से बी कैमा पे, तो आप बोलिए दाएं से 25 पे, दाएं से 25 पे होगा। अरे होगा कि नहीं? होगा। आपको ओनली ऐसे बोल दिए, बताइए पी कितना पे है? तो आप बोले पी 16 पे है। तो हमेशा दिमाग में जब भी हम बिना कुछ लगाए हुए बोलेंगे तो आप हमेशा क्या बोलिएगा? बाएं से। कैसे बोलिएगा? बाएं से। कोई दिक्कत? क्यों? अरे बचपन से तो हमेशा याद है, तो ए बी सी नहीं याद करते हैं? ए बी सी डी ऐसे याद करते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग खड़ा खड़ा जवाब दीजिएगा, ये जोटी तो याद है ना? याद है। ई का पोजीशन कितना पे? जे का, ओ का, पी का, वाई, इसमें याद है? आपको हमको लगता है याद तो होना ही चाहिए। आप लोग कुछ जवाब दीजिएगा तभी आगे चलते हैं। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, हम कुछ आप लोग लिखने के लिए बोले भी थे, लिख के लाने के लिए बोले थे। हाँ तो कोई बात है, अभी भी ले लेते, टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग यदि याद की हुईगा, याद करने के लिए बोले थे ना आप लोगों को? आप बताइए ये बताइए के कितना पे होता है? बोलिए के कितना पे? के 11 पे होता है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? यार सॉरी 11 होता है। कोई दिक्कत? आपको कंफ्यूज हो रहा है के कितना पे होता है, 11 पे होता है? कोई बात नहीं, खटाक से जोटी दिमाग में लगाइए, ई जो टी वाई। आप बताइए के किसके नजदीक है? जे के नजदीक है। तो हमको पता है ई 5 पे होता है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे होता है। आप बताइए जे के नजदीक है, तो जे के बाद खड़ा के आप क्या
अब भी आपको एबीसीडी पढ़ाना पड़ेगा क्या? एबीसीडी याद है ना? तो जे का खड़ा से क्या बोलेगा? के। तो ई तो 10 पे था, तो के कितना पे होता है? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए पी कितना पे होता है? पी कितना पे? तो आप बताइए हमको, यदि याद आ रही स्टार्टिंग नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सो ई जो टी ई जे ओ ओ, अच्छा पी किसके नजदीक है? ओ के नजदीक है कि नहीं? चलिए ओ के नजदीक है, ओ के नजदीक है। आप बताइए ओ 15 पे है तो ओ के बाद क्या पढ़ते? पी पढ़ते कि नहीं? तो पी 16 पे होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? जैसे आप बताइए डब्ल्यू कितना पे होता है? कितना पे? तो हमको यदि चेक करना हम सही बोल रहे हैं गलती बोल रहे हैं, तो ई जो टी, आप बताइए डब्ल्यू किसके नजदीक? टी के नजदीक। टी के भी नजदीक है, वाई के नजदीक है, तो वाई के नजदीक। आप बताइए वाई के नजदीक, वाई से पहले एक्स वाई होता है कि नहीं? तो सबसे नजदीक वाई को होगा कि नहीं? आइए बताइए एक्स के पहले क्या है? एक्स से पहले क्या होता है? तो डब्ल्यू एक्स वाई। आई वाई कितना पे है? ई कितना पे? ई कितना पे? या ऐसे बोल दीजिए, या आपको ई भी तो पता होना चाहिए टी होता है, टी के बाद क्या होता है? यू वी डब्ल्यू। ई 20 है तो ई कैस 22। आपके दिमाग में जब भी हम बोले क्यू कितना पे, आपको खड़ा से 17, आपको सेकंडो नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट ऐसा याद करना है। तो आप डायरेक्ट दिमाग में बोल पाइएगा, जैसे हम बोले क्यू, आप बोले खड़ा 17, जैसे बोल दिए जेड, आप 26, ये कितना है? तभी आप बना पाइएगा। आपको पॉज नहीं लेना है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, आपको पोजीशन ए से लेके बी सी डी कहां तक? जेड तक। बाएं से आपको हम बोले बाएं से, दाएं से नहीं याद करने के बोले, कहां बोले? बाएं से। पोजीशन के लिए आपको याद करना है सेकंडों में बोलना है, क्या करना है? ऐसा याद करना है सेकंडों में बोल देना है। पॉज लीजिएगा तो आपका समय गया, कोई दिक्कत? जैसे आपको बोले बताइए बाबू एफ कितना पे, तो खटाक से बोले एफ 6 पे होता है, कितना होता है? 6 पे। ए कितना पे? डी कितना पे? कितना पे? जी कितना पे? जी 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 8 पे। 8 पे होता है। ये बताइए किसके नजदीक है? ई एफ जी 5 6 7। जी कितना पे? एम कितना पे? जोर से बोलिए कितना पे? एन कितना पे? भी कितना पे? भी 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 कितना पे? रुकिएगा क्या आप लोग, खड़ा से बोलिए। यू कितना पे? वाई कितना पे? एल कितना पे? कितना? 12। एन कितना पे? एन 14 पे। एन के बाद ना वो आता है, तो हमको पता है क्या? 15 पे होता है, कोई दिक्कत? आप बताइए आई कितना पे? मतलब आई कितना पे? जे कितना पे? पी कितना पे? एक्स कितना पे? एक्स 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 एक्स। आप बताइए ई जो टी वाई कितना पे होता है? आई इससे पहले क्या आता है? 24 पे होगा। क्या आपको एबीसीडी पढ़ाना पड़ेगा का? कोई दिक्कत? ई हो गया, आपको पोजीशन तो याद हो ही गया होगा। आपको पोजीशन यदि याद है खटाक से बताइएगा। आपको कुछ चीज हमको बताना है, क्या बताना आप देखिएगा आगे। हम थोड़ा सा आपको याद है, आप खटाक खटाक जल्दी जल्दी बताइएगा, वही पोजीशन आपको लोगों को याद है लगी, हम एक बार लिख देता हूँ, जो हमको आगे पढ़ाना है उसमें हेल्प मिलेगा समझने में। लिख देता हूँ ए, थोड़ा फर्स्ट नीचे से लिखता हूँ ए बी सी डी ई। आपको ई नहीं पढ़ना है, आपको बनाना बोलना है पोजीशन। आपको क्या बोलना है? पोजीशन। पोजीशन का स्थान, हम जैसे एच लिखे, आप खटाक से बोलिए 8, क्या बोलिएगा? आपको ई सी अल्फा ए बी सी नहीं पढ़ना है, बच्चा की तरह रट्टा मारना ए बी सी ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना भी नहीं है, कोई दिक्कत? आपको पढ़ना कैसे है? हम लिखेंगे आई, आप खड़ा से पीछे से क्या बोलेगा? नो अभी लिखे क्या? अभी लिखे क्या? कहा लिखा?
24 लिख दो, क्या आता है? X. X. कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको बताए थे। ए बाबू यहाँ बताइए, हम ए बी सी ऐसे होते जेड, ई हमको बाएं से लिखे, क्या लिखे हैं? बाएं से। हम ए चालू करते हैं, बाएं से चालू करते हैं, तो हम ऊपर बाएं लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? बाएं। बाएं का इंग्लिश में क्या होता है? लेफ्ट बोलते हैं। क्या होता है? लेफ्ट बोलता हूँ। कोई दिक्कत? ई बताए बाएं से ए कितना पे, तो यहाँ भी लिख देता हूँ, बताइए। आप ऐसे नहीं बोलना, आप ऐसे नहीं बोलना है। आप हम कहीं कहीं बोलेंगे, आपको जवाब देना होगा। हम जो पूछ रहे हैं, कहाँ से? बाएं से पूछ रहे हैं, दाएं से पूछ रहे हैं? दाएं से बोल रहा है कोई? दाएं से। जब हम आपको क्वेश्चन करेंगे दाएं से एल कितना पे, तब बताइएगा। हम खटाक से आपको पूछेंगे जैसे पी कितना पे, तो आपका बोलेगा 16 पे, तो दिमाग में आपका क्या चाहिए? वो बाएं से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बाएं से। आप बताइए एस जहां तक है कितना है? आप लोग नहीं बोलिएगा, बोलिए ये कितना पे? लिखा गया सर, हुआ कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आपको रट्टा नहीं मारना है। आप बताइए ध्यान से, ये बायां खत्म, आप हमको दायां से, आपको याद नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, आप देख के बोलिएगा 1 2 3 4, याद ही नहीं करना है। दिमाग देखो, दिमाग खाली रहेगा तो ना अच्छा अच्छा चीज याद कीजिएगा, खराब चीज से दिमाग भरता नहीं है, खराब चीज से दिमाग भरता नहीं है। आप बताइए हम जेड दाएं से पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ते कि नहीं? तो जेड वाई दो होगा कि नहीं? तो आप बताइएगा हम पढ़ जो है दाएं से पढ़े, कहाँ से पढ़े? दाएं के इंग्लिश में क्या होता है? आपको ये सब याद है, आप देखिए रैंकिंग बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, मतलब अल्फाबेट में कितना हार क्वेश्चन देगा खड़ाक से बता पाइएगा, इसलिए हम इस पर ज्यादा समय दे रहे हैं। आप बताइए खड़ाक से बताइएगा कितना पे? आप बताइएगा, आप बताइएगा जो 20 लिखे हैं ये दाएं से लिखे कि बाएं से लिखे पोजीशन? जो ब्लू पेन में जो लिखा हुआ है दाएं से पोजीशन लिखा हुआ है कि नहीं? जो ब्लैक पेन में लिखा है बाएं से लिखा हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बताइए आगे, बताइएगा आप बताइएगा भाई, हमें पता है, ये बताइएगा ये जो ब्लैक पेन लिखे है ये बाएं से कि दाएं से? दाएं से। दाएं आप बताइए आगे ध्यान दीजिए, दाएं और बाएं दोनों मिलकर 27 है कि नहीं? 25 2 27 16 11 22 5। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम बोल रहे हैं आपको कोई इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी अल्फाबेट का पोजीशन दायां और बायां को दोनों मिलाकर कितना होता है? तो आपको बायां से तो अभी ना याद है, आप ही ना बोल रहे हैं बायां से याद है कि नहीं? तो आपको ये जब भी पोजीशन आपको बोले तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, बायां प्लस दायां बराबर 27। ये बायां क्या अल्फाबेट में कोई भी स्थान, जैसे जैसे हम बोल दिए बी का स्थान ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन हो जाता है पी का स्थान दाएं से बताए, दाएं से याद करें, दाएं से बोले बोले कोई दिक्कत है क्या? दाएं से क्या करना है बताना है, पी का स्थान दाएं से याद करना है, पी का स्थान कहाँ से याद करना है? दाएं से।
आप बताइए खटाक से, बाएं से आपको पता है कि नहीं पता तो पी का स्थान बाएं से कितना होता है? आपको पता क्या, आपको पता क्या करना है बाएं से? इसीलिए दाया। आप बताइए यहाँ पे देखिए 11 है कि नहीं सही? ये सही हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? तो हमको दाया से कोई भी पोजीशन बोलेगा तो हम खटाक से 27 में घटाएंगे कि नहीं? और 27 में क्यों घटाते पता चला? क्यों घटाते हैं? हमको बाएं प्लस दाएं बराबर कितना मिलता होता है? कितना हो जाता है? कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट 17 ई बाएं से ई दाएं से 17 10 कितना 27 हुआ? 27 होता है कि नहीं? आपको दो चीज यदि 27 है, एक चीज हमको पता है, दूसरा चीज नहीं निकल जाएगा? तो आपको ये फॉर्मूला तो स्टार्टिंग था इसलिए याद करवाए थे। क्या हमेशा ये फॉर्मूला लिखिएगा क्या? आपको हम बोले बताइए, बताइए भी का स्थान दाएं से, भी का स्थान दाएं से, आप खटाक से 27 57 से लिखेगा? अब भी का स्थान बाएं से कितना पे होता है? कहाँ है भी? भी हाँ 22 पे होता है कि नहीं? तो 22 कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो दो तीन चीज आप बता पाइएगा जल्दी जल्दी, बता पाइएगा ना? आप बताइए खटाक से, बताइएगा आप बताइएगा, जिससे पूछेगा वही जवाब देगा। तुम बताओ बाबू, आर का स्थान दाएं से, आर का स्थान दाएं से ज्ञात करना, बताइए कैसे किया? बताइए 9 होगा कैसे हो गया? आर का स्थान ज्ञात करना, हम डायरेक्ट 27 57 से लिखेंगे कि नहीं? अब माइनस लिखेंगे कि नहीं? आप बताइए बाएं से आर का स्थान कितना है? 18 लिखेंगे कि नहीं? 27 हो जाता है होगा कि नहीं? इसको सोचने की जरूरत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बैठे बाबू, तुम बताना, खड़ा हो बाबू, तुम्हें बताना है आई का स्थान दाएं से, बाएं से बोलो, दाएं से बताना है किससे कहां से, बताइए कैसे निकालेंगे? 27 में से 18 घटाएंगे, क्या घटाएंगे? क्यों बाएं से कैमरा स्थान पर आई होता है? तो 9 घटाएंगे, कितना हुआ? कितना हुआ? घटाओ आता है ना कि बताना पड़ेगा? कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले, ई पोजीशन, ई पोजीशन तो याद हो जाएगा ना? आप आगे, हाँ हाँ आगे पढ़ाता हूँ। ये था जो कल तक जो पढ़ाए थे आपको, आप बताइए अब आपको चलना है ऑपोजिट पे, किस पे चलना है? ऑपोजिट। एक बार देख सकते हो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो तो रहा है। अच्छा अब देखा, आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप आपको जो पढ़ाने वाले हैं जो चैप्टर उसको कहते ऑपोजिट। ये चैप्टर नहीं, चैप्टर तो आपको सीरीज चल रहा है, चैप्टर में आपको आगे कंसेप्ट जो समझना है ऑपोजिट का, जो कंसेप्ट चलना है किसका चल रहा है? ऑपोजिट का। ए बाबू आगे देखते जाइए, उल्टा, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। पहले आप लोग ध्यान दिया कीजिए, बदमाश मत किया कीजिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग बताया कीजिए, सुनिए मार रहा है, कोई दिक्कत है क्या? समझ में नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ए तुम्हें साइड में होइए, था साइड में होइए, आप बताइए यहाँ पे अब हम किस पे ध्यान दिए हैं? अपोजिट। आप बताइए ध्यान से, हम अपोजिट का मतलब समझिए, यहाँ पे अपोजिट का मतलब होता है, इसका मतलब उल्टा तो होता है, हम किसे पढ़े हैं अल्फाबेट में? आप बताइए एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान पे बाएं से एक पे कौन है? अरे ए है कि नहीं? आप बताइए दाएं से एक स्थान पे कौन है? कौन है? तो ए का उल्टा जेड हुआ कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, आप बताइए ध्यान से, हम बोल दिए छठा स्थान पे, कौन सा स्थान पे? छठा। आप बताइए छह स्थान पे मान लीजिए बोल दिया, जैसे ए, ये बताइए बाएं से छठा स्थान कौन है? छह पे कौन है? तो दाएं से छठा पे कौन होगा? अरे होगा कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए एल, आप बताइए बाएं से एल, एल एल कितना पे है? 12 पे है कि नहीं?
अब कोई दिक्कत? अब बताइए ये एल 12 से, अब दाएं से एल पे कौन थी? 12 पे कौन है? 12 12 एल कर दो। अरे ओ है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? बात समझ आ रहा है हमें? ये बताइए एल का उल्टा ओ होगा कि नहीं? क्यों क्यों होगा? बाएं से एल 12 पे आता है, इसीलिए दाएं से 12 पे कौन आएगा? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिए बाएं से 8 पे, बाएं से 8 पे एच आता है, तो कौन सा लेटर दाएं से 8 पे आएगा? दाएं से 8 पे कौन है? एस आया कि नहीं? तो इसका मतलब एच का उल्टा एस हुआ कि नहीं? एच का उल्टा एस हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे आपको ये सब कैसे मतलब, ये तो हमेशा याद करना पड़ेगा, तो इसी को हम एक ट्रिक पढ़ाएंगे, आपको सेकंडों में याद हो जाएगा, आज सेकंडों में आप जवाब दे पाइएगा। जैसे हम बोल दिए एल का उल्टा क्या होता है, वी का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा क्या, आर का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा क्या होता है, जे का उल्टा क्या होता है, इसको खड़ाक से बता पाइएगा, समझे? आप देखिए ध्यान से, हम इसको अब क्लीन कर देता हूं, इसको तो समझ में आ गया था उल्टा का मतलब क्या हुआ। आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं देखिए यहां पे उल्टा, कौन सा उल्टा? आप बताइए आप, उल्टा का मतलब क्या था? ऑपोजिट। सबसे पहले बाएं से, कोई दिक्कत है क्या? बाएं से एक पे क्या ए आता है? ए का उल्टा जेड होता है कि नहीं? क्या इसमें याद करने की जरूरत ज्यादा है? कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है क्या? ए का उल्टा, ए का उल्टा, ए का उल्टा, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा, ए का उल्टा जेड का उल्टा, ए का उल्टा जेड का उल्टा। अब बी का उल्टा वाई, इसे याद करना बाय, जैसे कहीं कोई जाता नहीं क्या बोलते हैं? बाय 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 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तो इसको शॉर्ट में ट्रिक, हम जो बताने वाले हैं इसको ट्रिक बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? ट्रिक याद करने का। तो आप सोचिएगा कोई कोई जा रहा है घर से, जा रहा है मेहमान, कोई आपके मामा नाना कोई जा रहा है, तो बोलते हैं बाय, बोलता है ना, तो इसी को कहते हैं बाय, क्या बोलते हैं? बाय। कोई दिक्कत? बाय में ई हो गया बी, ई हो गया वाई, कोई दिक्कत? आपको टिक ध्यान क्या रखते बाय बाय क्या बाय, खटाक से बाय में क्या बी वाई होता है कि नहीं? कहने का मतलब बी का उल्टा वाई का उल्टा, बी का उल्टा वाई का उल्टा, बी का उल्टा वाई का उल्टा, ए का उल्टा जेड का उल्टा। कोई दिक्कत? सी का उल्टा एक्स होता है, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। आप इसको कोई ए को ई पोजीशन याद कर लीजिएगा, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। सी का उल्टा एक्स, कोई ठीक से याद मत किया कीजिएगा, बोलिएगा सी का उल्टा एक्स। मत दो ही ऐसा चीज जो हम तो आपको ठीक से याद नहीं करा रहे हैं, ए का उल्टा जेड का उल्टा, ए का उल्टा जेड का उल्टा, सी का उल्टा एक्स का उल्टा, सी का उल्टा एक्स का उल्टा, बी का उल्टा वाई का उल्टा, कौन ठीक है? बाय। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे बी का उल्टा डब्ल्यू होता है, आप बताइए ध्यान से, यहाँ बताइएगा हम कहे वो कोई आदमी खड़ा था, हम कोई ऐसे अप अप के डाउन होता है कि नहीं? अरे अप के डाउन होता है कि नहीं? नहीं होता है। ए डाउन इस सामान को डाउन नीचे रखो, ऐसे बोलते हैं ना डाउन, ऐसे बटन पड़े ना डाउन, तो आप बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डाउन। आप बताइए डी का मतलब इसका डी हुआ, इसका मतलब डब्ल्यू हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? इसका इंग्लिश में ऐसे ना होता है डाउन, ये दोनों को साइलेंट कर दिया, ये दोनों ज्यादा बोल गया डाउन, ये दोनों स्पेलिंग होता है कि नहीं? अडांग दोनों स्पेलिंग होता है कि नहीं? तो डी का उल्टा डब्ल्यू का उल्टा, कौन सा ट्रिक से उसको क्या बोलते हैं? डाउन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बाय से कौन सा ट्रिक आया? बी का उल्टा वाई का उल्टा, डी का उल्टा डब्ल्यू का उल्टा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए क्या सी का मतलब, सी का मतलब एक्स, एक्स का मतलब उल्टे याद कर लीजिए, इसका कोई टिक मत बनाइएगा, समझे? कोई दिक्कत? कोई कोई टिक मत बनाइए बिना मतलब के, जो आपको हंसी मजाक टिक, देखो टिक का मतलब क्या हुआ, आपको हंसी मजाक में जो टिक से याद हो गया वही हंसी मजाक, आपको नहीं आप कॉक्स मॉक्स कुछ भी बोलते रहिएगा, दिमाग पर लोड क्यों दीजिएगा? दीजिएगा कोई लोड नहीं दीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए एल ओ वी ई,
आप बताइए लव क्या होता है? ये कुछ पता हो या ना हो, सब बंदा को इसके बारे में सब पता होगा। अरे नहीं पता है, लव का मतलब प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम, प्यार, मोहब्बत। अरे होता है कि नहीं? किसी को नहीं आता होगा ये तो पक्का है। आप बताइए ये तो पक्का जानते होइएगा। ये दिल होता है, होता है कि नहीं? जब भी कुछ होता है ये अब दिल अपना कॉपी में बना लेते हैं कि नहीं? ना कोई दिक्कत है क्या? आपको क्या है ये? कौन सा स्पेलिंग है? आगे ध्यान दीजिए, ये क्या है देखिए। आपको तो इसके मतलब तो बताए दीजिए। लव, लव क्या हिंदी क्या होता है? तो आप लव बोली, लव ही याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है लव? आप बताइए लव में चार मीनिंग होता है कि नहीं? एल ओ वी ई। आप इसका याद कीजिएगा, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल का उल्टा ओ का उल्टा वी का उल्टा ई का उल्टा। आप बताइए एक मीनिंग से आपको दो को चीज याद हो गया कि नहीं? चार को वर्ड याद हो गया, हुआ कि नहीं? आपको खड़ा से बोलेंगे भी का उल्टा क्या, भी का उल्टा क्या? आप खड़ा से एल ओ भी ई। आप बताइए एल के बगल में दुदू को सीक्वेंस बनाए, दुदू को जोड़ा बनाइए, चप्पल जोड़ा में होता है ना उसी प्रकार एल ओ भी ई। हम बोले भी का उल्टा क्या, भी का उल्टा ई, ई का उल्टा। आपको बोल दिया बताइए ओ का उल्टा क्या होता है? ओ, तो एल ओ तो साथ में ना है, तो एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, एल का उल्टा ओ। आपको बता दिए, देखो एल का उल्टा ओ, ई कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पे, समझे? एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, का उल्टा ओ का उल्टा। कौन सा ट्रिक्स है? भी का उल्टा ई का उल्टा, भी का उल्टा ई का उल्टा। कौन सा ट्रिक्स है? लव से। डी का उल्टा डब्ल्यू का उल्टा कौन सा टेक्स है? बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बाय। किससे? कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ पे, आप ये बताइए अभी एट आठवां में है, आठवां के बाद अब नाइन्थ में जैसे जाइएगा तो हाई स्कूल में जाइएगा कि नहीं? नहीं जाइएगा, हाई स्कूल में नहीं जाएगा, जाएगा तो हाई। आप बताइए ध्यान से, हाई स्कूल का आप बताइएगा तो मीनिंग, इसको उठाओ तो बाबू। हाई, हाई ऐसे ही लिखाता है कि नहीं? लिखाता है। कोई दिक्कत है क्या? हाई स्कूल ऐसे लिखाता है कि नहीं? लिखाता है। इस सब का मतलब बोले, ई एस हुआ, ई एच हुआ, तो एच का उल्टा एस का उल्टा, एच का उल्टा एस का उल्टा। कोई दिक्कत है क्या? तो आप इसका बताइए, एच का उल्टा एस का उल्टा कौन सा टेक्स है? कौन सा टेक्स है? एच का उल्टा एस का उल्टा, एच का उल्टा एस का उल्टा। कोई दिक्कत? आई का उल्टा आर, आई का उल्टा। आपको यहाँ से जाना है पटना, आप ट्रेन से चलिएगा। क्या चलिएगा? आप बताइए, हम ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। इस ट्रेन को इंग्लिश बोलते हैं, रेलवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेलवे। हम कौन देश में रहते हैं? इंडिया। अरे भारत में रहते हैं कि नहीं? भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं कि नहीं? इंडिया को हम जो बताओ, इंडिया में जो लोग है उसको इंडियन बोलते हैं कि नहीं? हम इंडियन है, तुम इंडियन है, तुम इंडियन है कि नहीं? तो इंडियन सामान, ये बोले ये बोतल इंडियन बोतल, इंडियन मार्केट इंडियन आदमी, ऐसा होता है कि नहीं? तो रेलवे इंडियन है तो इंडियन रेलवे बोलेंगे कि नहीं? कौन सा? इंडियन रेलवे। कौन सा? रेलवे। आपको खटाक से दिमाग में जो इंडियन रेलवे, इंडियन में आई, रेलवे में आर, आई का उल्टा आर का उल्टा, आई का उल्टा आई, आर का उल्टा। कोई दिक्कत? आई का उल्टा आर का उल्टा। कौन सा टेक्स है? इंडियन रेलवे। एच का उल्टा एच का उल्टा एच का उल्टा। कौन सा टेक्स है? हाई स्कूल। एल का उल्टा कौन सा टेक्स है? भी का उल्टा ई का उल्टा, भी का उल्टा किससे? कोई दिक्कत? अब बताइए अब आपको देखना है कि के का उल्टा पी, के का उल्टा पी। अरे कोई भी पर्व में होली में कुर्ता पजामा बनता है कि नहीं? नहीं बनता है। अरे कुर्ता पजामा नहीं है, कुर्ता पजामा। कौन सा पजामा? कौन सा? के का मतलब कुर्ता, के का मतलब कुर्ता, और पी का मतलब पैजामा। जब भी कुर्ता पहनिएगा आप बताइए, कुर्ता जींस में पहनिएगा अच्छा लगेगा? कुर्ता हमेशा पैजामा के साथ पहनना चाहिए नहीं? तो इसलिए कुर्ता का के या पैजामा का पी, के का उल्टा पी का उल्टा। आप खटाक से बताइएगा,
खड़ा ये बताइए बाएं से कितना पे होता है, ग्यारह पे होता है कि नहीं? बाएं से ही सोलह पे हुआ कि नहीं? आप ई सोलह पे है बाएं से, तो दाएं से सताइस में से सोलह गया ग्यारह हुआ कि नहीं? दाएं से ही ग्यारह पे, बाएं से ही ग्यारह पे उल्टा हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? बहुत हार्ड है क्या? आप बताइए अभी आज, अभी आज गर्मी है बहुत ज्यादा, गर्मी है कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, उफ क्या गर्मी है बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? उफ, तो उफ यू एफ उफ क्या गर्मी है, तो उफ यू का उल्टा एफ का उल्टा यू का उल्टा एफ का उल्टा क्या गर्मी है बोलते हैं ना, उफ क्या गर्मी, तो उफ से क्या यू का उल्टा एफ से उल्टा, आपको सा मीनिंग छोटा जे का उल्टा एम का, आप ध्यान से आप बताइए जे का उल्टा क्यों होता है, किस से आप बताइएगा ध्यान से, इसको लिखेगा जो कर, जो अकर, अकर का मतलब हमेशा पढ़ना क्यू, क का मतलब क्या पढ़ना क्यू, और जो का मतलब जे पढ़ना, कोई दिक्कत? जे का उल्टा क्यू का उल्टा, जे का उल्टा क्यू का उल्टा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए अब आपको पढ़ना मैन एम और एन, एम का उल्टा एन, आप बताइए एम एन मैन मीन्स आदमी होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब मैन में एम एन दोनों मीनिंग होता है कि नहीं? एम का उल्टा एन का उल्टा एम का उल्टा एन का उल्टा कौन सा ठीक से, कौन सा ठीक से, तो आप बताइए 26 को लेटर हुआ था, 13 जोड़ा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, 13 का जोड़ा हुआ कि नहीं? तो जोड़ा पूरा था, एक दो तीन चार पाँच सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। आप बताइए एक चीज छूटा है, एक चीज छूटा है, आप बताइए, आप बताइए जी का उल्टा टी, जी का उल्टा आप बताइए जी का उल्टा टी का उल्टा, सबसे पहले गॉट है से याद करिए, चलिए जी ओ ए टी गोट मीन्स बकरी होता है कि नहीं? उसमें बकरी होगा नहीं, जी का उल्टा टी का उल्टा जी का उल्टा टी का उल्टा हुआ कि नहीं याद? आप बताइए एम का उल्टा, एम का उल्टा किस से, जे का उल्टा, जे का उल्टा जे 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 किस से, जे का उल्टा, जे का उल्टा क्यू का उल्टा, यू का उल्टा एफ का उल्टा किस से, के का उल्टा टी का उल्टा किस से, किस से आई का उल्टा आर का उल्टा आई का उल्टा आर का उल्टा किस से, एच का उल्टा एस का उल्टा किस से, एल का उल्टा एल का उल्टा ओ का उल्टा किस से, भी का उल्टा ई का उल्टा किस से, डी का उल्टा डब्ल्यू का उल्टा किस से, सी का उल्टा एक्स का उल्टा बी का उल्टा वाई का उल्टा किस से, ए का उल्टा ए का उल्टा जेड का उल्टा, मत आपको 26 को लेना अपोजिट, मत दो को टी का टिक होता है ए का और सी का, कोई दिक्कत है क्या? बाकी का बता चुके हैं ना, याद हो जाएगा ना, इसको अच्छे से लिखिए, आप सवाल आपको देंगे, आप सवाल बनाया कैसे जाएगा, आपको इसका सवाल देंगे।